जी वालेकुम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैसे आप तब हो फिर आप सब ठीक ठाक होंगे तो आज हम देखेंगे सी एस टू टू के क्विज नंबर टू को ठीक है इसकी स्टार्टिंग डेट फाइव जून है और लास्ट डेट जो है वो सेवन जून है ठीक है तो हमेशा की तरह मेरी एक ही स्टेटमेंट है कि मैंने अपनी तरफ से जो है अपना देख के सही देख के एकट आंसर लगाए हैं तो आप अपने बिहाफ पे इसको अगर वेरीफाई करना चाहें तो इट्स अप टू यू आप वेरीफाई कर सकते हैं ओके हो गया जी तो चलें जी स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए तो जी सबसे पहले हमारे पास क्या है इन सी एस एस थ्री देर आर डैश डिफरेंट कम्बिनेटर्स कितने डिफरेंट कम्बिनेटर्स um, uh, होते हैं फोर ठीक है फोर इज द करेक्ट आंसर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्टर्स ठीक है ना अगर आपको सही से नहीं नजर आ रहा तो मैं दोबारा पढ़ देती हूँ इसलिए पढ़ती हूँ कि किसी इमेज में ऐसा होता है कि ब्लरी आ जाते हैं तो मैं आपको पढ़ के बता दूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और आप अपने क्विज में जो है इसका करेक्ट आंसर फाइंड कर सकें जी यहाँ पे कहता है कि आर डैश द रिलेशनशिप बिटवीन द द करेक्ट आंसर इज कॉम्बिनेटेड ठीक है वो करेक्ट है right? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन ठीक है जो इज नैन और इन टू उन्होंने सी एस टू टू लिखा हुआ है और वो वो पूछे हैं कि इसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो क्या होगी ठीक है इज नैन और पेरेंथिसिस में सी एस टू टू लिखा हुआ है तो इसका जो रिटर्न वैल्यू होगी वो ट्रू होगी ठीक है सी ऑप्शन इसका आंसर है ट्रू ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द फॉल्स ऑप्शन फॉल्स ऑप्शन आपने चूज करना है वो स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है जो उनमें से गलत होगी हमने वो बतानी है तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन का तो तुक्की नहीं बनता ना ठीक है तो उसके बाद उन्होंने दी हुई यहाँ पे दी इन डेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट और डी ऑप्शन है एन एलिमेंट कैन हैव अ पॉजिटिव आर्ड नेगेटिव स्टैक ऑर्डर ठीक है तो आपको खुद भी पता होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो फॉल्स है तो द बी ऑप्शन इज फॉल्स एन एलिमेंट विद लोअर स्टेक ऑर्डर इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ एन एलिमेंट विद्रेटर स्टैक ऑर्डर ठीक है तो इसको काफी लंबा छोड़ा है भी, मैं एक दफा पढ़ के बता देती हूं क्योंकि आ, क्योंकि मैं जूम लेवल जितना भी करूँ ये फिर भी छोटा लिखा हुआ होता है तो नहीं समझ आती दैट्स वाई मैं पढ़ रही होती हूँ तो आप इसको ध्यान से जो है सुन लिया करें तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है एन एलिमेंट विद लोअर ऑर्डर इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ एन एलिमेंट विद द ग्रेटेस्ट है अब तो समझ आ गया होगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूप इन जावास्क्रिप्ट कौन सा लूप जो जावास्क्रिप्ट में नहीं है तो वाइल फॉर इन या फिर फॉर तो डू इन जो है वो जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डैश सी एस एस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्टैक ऑर्डर ऑफ द ओवरलैपिंग एलिमेंट्स दैट विच एलिमेंट विल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ आर बिहाइंड द अदर्स ठीक है अगर नहीं समझ आई तो एक दफा फिर पढ़ देती हूँ डैश सी एस एस प्रॉपर्टी स्पेसी स्टेक होल्डर ऑफ एलिमेंट विल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ आर बिहाइंड द अदर्स तो ये है हमारे पास जी इंडेक्स ठीक है जी इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो वाली जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं ठीक हो गया उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्ट वैल्यू विल बी रिटर्न बाई द जॉब फॉलोइंग एक्सप्रेशन जावा स्क्रिप्ट का फिर उन्होंने जो है ना दोबारा से वही पूछा है कि और उसके अंदर लिखा हुआ है तो इसका क्या जो है होगी होगी तो इसकी value false हो हमने ऊपर देखा कि तो और इज नैन इंटू वन हंड्रेड लिखा हुआ है तो ये फॉल्स है ठीक है हो गया उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन Math. Floor into तो इसका जो होगी होगी वो क्या हो 9, ठीक है? फिर से एक दफा देख लें मैथ डॉट फ्लोर इंटू नाइन पॉइंट सेवन तो इसकी रिटर्न वैल्यू जो होगी वो नाइन होगी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ फॉलोइंग सीएसएस स्टेटमेंट li into display colon inline ठीक है तो वो पूछा है ये जो आपको पता है अगर आपने लेक्चर लिया मैं तो ये इसकी सीएसएस की स्टेटमेंट है और वो पूछा है कि इसका मतलब क्या है ठीक है ना मतलब कि समझ लें इसका इंपैक्ट क्या बढ़ता है तो वो हमारे पास स्टेटमेंट जो है है वो है li ठीक है करली ब्रेसेस डिस्प्ले कोलन सेमी कॉलन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज ठीक है तो यहां पे li is a ब्लॉक एलिमेंट एंड इट विल बी कन्वर्टेड इन टू इन लाइन एलिमेंट ठीक है एल आई जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है और वो कन्वर्ट होगा किसमें होगा इन लाइन एलिमेंट में तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है ये देखिए यहाँ पे ना ऑलमोस्ट सारे एक जैसे ही लिखे होते हैं लेकिन आपने इनको ध्यान से करना होता है ताकि आपका गलत ना हो हम जल्दी जल्दी में ना पूरे ऑप्शन को पढ़ते भी नहीं है इवन की क्या पता उसमें एक ही वर्ड की चेंजिंग हो लेकिन ऑप्शन को बिल्कुल देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन बिल्कुल सेम है बस उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक है तो आपने क्या करना होता है इसको ध्यान से पढ़ के फिर इसको चूज करना होता है उसके बाद है हमारे पास एट पॉइंट फोर ठीक है तो अब इसकी रिटर्न वैल्यू जो होगी वो होगी एट ठीक है ना मैथ डॉट राउंड एट पॉइंट फोर और इसकी रिटर्न वैल्यू जो है वो एट होगी उसके अलावा खत्म हो गए खत्म हो गई होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर किया करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी किया करें इसके अलावा अगर आपको कोई लगे कि आपके बिहाफ पे कोई क्वेश्चन किसी का आंसर नहीं ठीक तो काइंडली मेंशन भी किया करें ठीक है ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह